कोरोना के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं, लेकिन भारत इसके खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। कोरोना का खतरा बड़ा है, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बनाया और देशवासियों से इसमें दान करने की अपील की है। पीएम केयर्स, यही नाम है उस फंड का, उस कोष का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौत बांटने वाली महामारी को मात देने के लिए बनाया है। कोरोना बड़ी तादाद में जिंदगी निगल रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी आ गई है। भारत में भी मरीजों और मौत की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ पीएम मोदी का एक्शन भी तेज होता जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना को परास्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने फंड बनाकर लोगों से दान देने की अपील की है। देशवासियों से मेरी अपील है कि वो पीएम केयर्स फंड में अंशदान के लिए आगे आएं। इसका इस्तेमाल आगे भी इस तरह की किसी भी आपदा की स्थिति में किया जा सकता है। इस फंड की पाई पाई पर सीधे पीएम मोदी की नजर होगी, उनके पास पूरा हिसाब किताब होगा। इसमें दान की गई छोटी से छोटी रकम भी टैक्स फ्री होगी। पीएम ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ इस जंग में देशवासियों का साथ मांगा है। पीएम केयर्स फंड माइक्रो डोनेशन को भी स्वीकार करता है। ये आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करेगा, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा। आइए अपनी भावी पीढ़ियों के लिए हम भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। के जरिए भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाकर भी सहायता कर सकते हैं। ये तो रही वो जरूरी जानकारी जो डोनेट करते वक्त आपके काम आएगी। अब आपको देश के उन दिग्गजों के बारे में बताते हैं जिन्होंने संकट के वक्त में देश के लिए अपना खजाना खोल दिया। टाटा संस ने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इस तरह से देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 1,500 करोड़ रुपए दान किए हैं। इसी तरह देश के दूसरे बड़े बिजनेसमैन ने भी देश की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। वेदांता, हीरो साइकिल्स और बजाज ग्रुप 100 करोड़ रुपए देगा। पीएम ने फंड बनाया तो बॉलीवुड की तरफ से सबसे पहले एक्टर अक्षय कुमार आगे आए। ट्विटर के जरिए उन्होंने 25 करोड़ रुपए डोनेट करने का ऐलान किया। इस समय लोगों की जिंदगी हमारी प्राथमिकता है, हमें हर वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मैं 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दान देने का ऐलान करता हूं। चलो जिंदगी बचाएं, जान है तो जहान है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर अक्षय को शुक्रिया कहा। इसी तरह करीब करीब हर क्षेत्र से जुड़े लोग मदद को आगे आ रहे हैं। पीएम केयर्स फंड में बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह बीजेपी के सभी एमपी अपनी सांसद निधि से 1-1 करोड़ रुपए देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सांसदों को चिट्ठी लिखकर सभी को सांसद निधि से 1-1 करोड़ देने को कहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भी सांसदों से 1 करोड़ देने की अपील की है। जाहिर है संकट के समय में बड़ी तादाद में लोग मदद को आगे आ रहे हैं। आप भी आइए, देश को बचाने में
अपना योगदान दीजिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में।